अगर आप बालों के टूटने, झड़ने और बालों के पतले होने से परेशान हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आयुर्वेदा फॉर यू और आज की इस वीडियो में हम बालों को मजबूत और सुंदर बनाने के 3 उपाय बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले उपाय की तरफ। लगभग 50 ग्राम अमरबेल को कूटकर 1 लीटर पानी में पकाकर बालों को धोने से बाल सुनहरे व चमकदार बनते हैं। बालों का झड़ना बंद होता है और रूसी भी कम होती है। दोस्तों अमरबेल एक परोपजीवी लता है जो रस्सी की भांति दूसरे वृक्षों पर फैली रहती है। इसे आपने बबूल, बेर आदि पेड़ों पर लिपटा जरूर देखा होगा। दोस्तों इसे आकाशवल्ली या आकाशबेल भी कहते हैं। दोस्तों इस 50 ग्राम अमरबेल को पानी में तब तक पकाएं जब तक पानी आधा ना रह जाए, अर्थात 1 लीटर पानी जब तक आधा लीटर ना रह जाए। फिर ठंडा होने पर छानकर इस पानी से बालों को धोएं। दोस्तों अगले उपाय के लिए हमें एक तेल बनाना है। इस तेल को बनाने के लिए हमें वड़ की जटा और जटामांसी का चूर्ण दोनों 25-25 ग्राम लेने हैं। दोस्तों वड़ एक वृक्ष है, इसे वट वृक्ष या बरगद भी कहते हैं और जटामांसी का चूर्ण आप पंसारी की दुकान से ले आए। ये दोनों 25-25 ग्राम लें। फिर तिल तेल 400 ग्राम तथा गिलोय का स्वरस 2 लीटर इन सबको मिलाकर धूप में रखें। 2 से 3 दिन तक की धूप लगाएं, फिर इसे छानकर एक बोतल में सुरक्षित रख लें। इस तेल की मालिश से बालों का टूटना तथा गंजापन दूर होकर नए बाल आने लगते हैं एवं बाल झड़ना बंद हो जाते हैं तथा बाल सुनहरे व सुंदर हो जाते हैं। दोस्तों बालों को स्वस्थ और घना करने का तीसरा उपाय बड़ा आसान है। इसे कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है। इस प्रयोग में गुड़हल के पत्तों को पीसकर पेस्ट बनाकर बालों में लगा लें। 2 घंटे बाद बाल धोकर साफ कर लें। इस प्रयोग को नियमित रूप से करने से न केवल बालों को पोषण मिलता है बल्कि सिर में शीतलता का भी अनुभव होता है। दोस्तों गुड़हल एक पुष्प वाला वृक्ष है। संस्कृत में इसे जपा, ऊर्ध्व पुष्प, अर्क प्रिय और औंड्र पुष्प भी कहते हैं। इसे औंड्र पुष्प या ऊर्ध्व पुष्प इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके फूलों की केसर बाहर निकली हुई अलग से दिखाई पड़ती है। इस वृक्ष में अलग से कोई फल नहीं लगता। दोस्तों एक गुणकारी वृक्ष है, अगर हो सके तो इसे नर्सरी से अवश्य ले आएं और अपने घर में लगवा लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको बालों से संबंधित ये जानकारी? यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। दोस्तों फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।